आज मैं आपको भेदभाव के बारे में बताऊंगी, जो भेदभाव हमारे मन में एक कड़वे सुनहर की तरह उठा हुआ है। जो भेदभाव हम आम समाज के लोगों में धन और जाति की वजह से उठा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी, हमारे समाज में किसी ना किसी को धर्म और जाति के नाम पर ऊंचा या नीचा दिखाया जाता है। मैं आप सभी को भगवान श्री राम जी का एक उदाहरण देकर कुछ बताना चाहूंगी, कितना बहुत लीजिएगा। भगवान श्री राम ने सबरी माता जी के झूठे बेल खाकर ये साबित कर दिया था कि हमारे समाज में सभी लोग एक समान हैं, ना कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। ये धर्म ये जाति सृष्टि के संतुलन के लिए बनाए गए हैं, ना कि एक दूसरे में भेदभाव करने के लिए, ना कि मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने के लिए। ये भेदभाव की भावना सिर्फ आम जनता में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा दबाव तो ये उठता है कि ये आम जनता के बीच में कहाँ से आता है, ये दिमाग भेदभाव वाला कौन है जो आम जनता के बीच में धर्म और जाति आता है, कौन है जो आम जनता के बीच में धर्म और जाति के नाम पर दुश्मनी पैदा करता है। ये धर्म और ये जाति के नाम पर पैदा हुई दुश्मनी सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स की वजह से होती है। अब आप कभी ये सोच रहे होंगे कि मैं उन लीडर्स को ब्लेम क्यों कर रही हूँ धर्म और जाति के ऊपर, क्यों? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि ये लीडर्स ही है जो हम आम जनता के बीच में आकर भड़का हुआ कर देते हैं। ये लीडर्स ही है जो हम आम जनता को हिंदू और मुस्लिम करके एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। ये लीडर्स ही है जो हम आम जनता में पैदा हुई हिंदू और मुस्लिम की वजह से दुश्मनी का फायदा उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग वोटों के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम करने की वजह से जो नेता हिंदू हिंदू करता है, हिंदू धर्म के लोग उस नेता को वोट देते हैं। जो नेता मुस्लिम मुस्लिम करता है, मुस्लिम धर्म के लोग उस नेता को वोट देते हैं। और हम हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग कट जाते हैं और हम लोगों के बीच जो भाईचारा होता है उनके बीच दुश्मनी आ जाता है। क्या आप कभी ने सोचा है कि हम आम हम रहते हैं हिंदू और मुस्लिम की वजह से एक दूसरे में दुश्मनी कर लेते हैं? क्या आप कभी ने सोचा है कि इन लोगों के बच्चे क्या करते होंगे? हम लोग तो दुश्मनी बोल ले लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन इन लोगों के बच्चे जो होते हैं वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कामिया जैसी यूनिवर्सिटियों में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट बना लेते हैं। और हम आम स्कूल दंगी प्रकार लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच भेदभाव में पत्थर अपना फ्यूचर कल कर लेते हैं। ये लोग कभी अपने बच्चों को नारेबाजी दंगे प्रसाद धर्मों के बीच भेदभाव या किसी को भी नहीं लाते, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों का फ्यूचर एकदम ब्राइट बनाने में लगे हुए होते हैं। और यही लीडर हम आम जनता के बच्चों का फ्यूचर एकदम चल करने में लगे हुए होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मत भूलो कि हम भारतीय हैं, मत भूलो कि भारत भूमि हमारी माँ है, मत भूलो कि हम भाई भाई हैं ना कि दुश्मन। हाँ, ये धर्म और जाति जैसे कि मैं पहले भी शांत हो जाइए, ये जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये धर्म और ये जाति सृष्टि के संतुलन के लिए बनाई गई है, ना कि आप धर्म के नाम पर जाति के नाम पर दुश्मन करने के लिए। हमको भाईचारा में रहना चाहिए, मत भूलो कि हम भारतीय हैं, मत भूलो कि भारत भूमि हमारी माँ है। किस तरह हमारे बीच में भगवान भेदभाव नहीं करता है, किस तरह हमारे बीच में हमारी भारत माँ भेदभाव नहीं करती है, किस तरह हमारे बीच में बॉर्डर पर खड़े सैनिक भेदभाव नहीं करते हैं, कि इसी तरह हम भाई भाइयों को आपस में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो भेदभाव धर्म को लेकर हो, चाहे वो भेदभाव जाति को लेकर हो, चाहे वो भेदभाव रंग और रूप को लेकर हो, हम लोगों को आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम उस रंग के सामने भी एक समान हैं,
चेहरा देखे बिना किसी भेदभाव के। हमेशा एक बार याद रखना कि आज हम लोग स्कूल जाते हैं, आज हम लोग कॉलेज जाते हैं, ना ही बड़े होकर शिक्षा प्राप्त नौकरी पा सकते। हम शिक्षा प्राप्त इसीलिए नहीं कर रहे ताकि हम नौकरी पा सके, हम शिक्षा प्राप्त इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि अपने समाज में से इस भेदभाव की भाषा को हटा सके। एंड थैंक यू सो मच नाउ आई स्टॉप।